नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आने के लिए। और आप इस वीडियो को पूरा के पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज टू नॉलेज मिलने वाली है मैट्रिक को कंपार्टमेंट एग्जाम से लेकर स्कूटने के रिजल्ट को लेकर और कंपार्टमेंट के एग्जाम को लेकर सारी डिटेल्स मिल चुकी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, इस घंटी वाले बेल को दबा दीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए। और चलिए मैं आगे चलता हूँ, अपने टॉपिक पर शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैट्रिक रिजल्ट जो है दोस्तों आ चुकी है और उसमें कौन कौन से टॉप किए हैं विद्यार्थी, उनका भी मैं वीडियो स्पेशल बना रखा हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे लिंक जो होती है डिस्क्रिप्शन, उसके लिंक में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये सब टॉपर है, मैंने इस पर खास वीडियो बना दी है, आप जाकर उसे देख लेना। और दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने आगे की का जो आगे मैं आज बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने देखने से पहले आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जो थंबनेल मैंने बनाया था उस थंबनेल को आपने देख ही लिया होगा, ये थंबनेल। इस थंबनेल मैंने बात आज करने वाला हूँ कि मैट्रिक स्क्रूटनी की अप्लाई कब करें। दूसरा मैं टॉपिक बात करने वाला हूँ कि क्लास टेंथ के लिए चैलेंज कैसे करें। तीसरा मैं बात करने वाला हूँ कंपार्टमेंट की फॉर्म कब फिल करें। और चौथा मैं बात करने वाला हूँ अप्लाई कैसे करें स्क्रूटनी के लिए। और पांचवा मैं बात करने वाला हूँ पेंडिंग रिजल्ट कैसे ठीक हुआ। अच्छा, छठा क्या मैं इस पर फेल हो जाऊँगा। तो इस सारे टॉपिक में मैं बात करूँगा। तो उसमें पहले टॉपिक में उठाता हूँ जिसमें है मैट्रिक स्क्रूटनी की अप्लाई कब करें। फ्रेंड्स देखिए, मैट्रिक स्क्रूटनी के लिए अप्लाई क्या होती है समझ जाइए। जिन विद्यार्थियों का नंबर अच्छा नहीं आया है, कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि इस बार वो एग्ज़ाम दिए और उनको लगता है कि मैं अच्छा इस बार लिख के लाया हूँ और मुझे उतनी सारी मार्क्स नहीं आई है, तो वो लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी किसी विद्यार्थी को साइंस में आया, उसको 60 नंबर कम से कम अवेलेबल आया, लेकिन वो विद्यार्थी इसमें आपको साइंस में लिख के लाया, करीब करीब आपको उसका मार्क्स 75 आना चाहिए था उसे लगता है, लेकिन उतना मार्क्स उसको नहीं आया, उसे 60 पटक गई, तो वो चाहे तो उस 15 नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है स्क्रूटनी के लिए। यही होती है स्क्रूटनी। दोस्तों दूसरी बात क्या होती है कि स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो अपने खुद से अप्लाई भी कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए, और अप्लाई करके उसे आप जान सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम होती है स्क्रूटनी को लेकर कि स्क्रूटनी होती क्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फुल डिटेल्स उसकी दे दूंगा। और दोस्तों, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अभी तक आज से अप्लाई करना शुरू हो जाएगी, जो कि आज पता है आपको कौन सी दिन है, तो आज गुरुवार है, गुरुवार से उसकी आवेदन शुरू हो गई है स्क्रूटनी के लिए, जो कि आपको इसकी रिजल्ट जो है 3 जुलाई से उसकी प्रोसेस करना भी शुरू हो जाएगी। तो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज से अप्लाई कर दीजिए। और इतनी बार होती क्या है कि स्क्रूटनी के लिए अगर आप आवेदन कीजिएगा तो मोबाइल से आवेदन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्चुअली होती क्या है कि मोबाइल से वो साइट खोल नहीं पाती है ठीक से, तो आप कंप्यूटर से जाकर प्रयास करिए या फिर जाइए साइबर कैफे से जाकर प्रयास आप कर सकते हैं। दोस्तों तो बता दूँ कि कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले अपना आप ये कोई क्रोम ब्राउजर होती है अपने मोबाइल में, अगर आप जानते होंगे, अगर चलाते होंगे अगर, तो क्रोम ब्राउजर आप खोल सकते हैं और खोल कर उसे आप जान सकते हैं कि हाँ कैसे मैं खोल सकता हूँ। तो मैंने क्रोम ब्राउजर खोल लिया और यहाँ से एक न्यू टैब लेकर मैं आता हूँ आपको। इस सब फ्रेंड्स आपको लिखना है BSEB, ठीक है, BSEB का ऑफिशियल साइट पर लिख कर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे जानी है और नीचे जाकर आपको बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यहाँ दिख रही है ये लिंक, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही एक आपके पास एक अच्छा वेबसाइट फिर से खुल के आएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक खुल के आपको अच्छा से यहाँ पर शो हो जाएगा। और जब खुलने के बाद अब कुछ ऐसी लोगो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख सकती है, जो लोगो आप मैं दिख रहा हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। और मैं बता दूँ कि अगर अभी तक आपने अपने रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं उसे आसानी से। उसके लिए फ्रेंड्स आपको खोलनी पड़ेगी बिहार बोर्ड की ऑफिशियल साइट, और यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका रोल कोड, और यहाँ पर आपका मैं आप कीजिएगा वन मिनट में बता रहा हूँ, यहाँ फ्रेंड्स आपको रोल कोड, रोल नंबर, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको रोल कोड और यहाँ इंटर रोल नंबर डालकर आप फाइनल रिजल्ट अपना कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ जो मैं आपको बता रहा था।
फ्रेंड्स जब ऐसी वेबसाइट आपके पास खुलेगी तो ऐसी वेबसाइट में ये लोगो चेक कर लीजिएगा ओके। और इस लोगो को चेक करते वक्त यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ ब्लिंक करती रहती है, यहाँ पर ऐसे ये दिख रहे हैं ब्लिंक करती हुए। ये अगर ये आपकी नहीं आ रही है तो आप यहाँ से जाकर डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं इसे, जैसे मैंने अभी कर रखा हूँ, डेस्कटॉप मोड में भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और करके यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कुछ ब्लिंक करते हुए आपको नजर आ रही होगी, यही ब्लिंक करते हुए नजर में आएगी। जब उसकी लिंक आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो रिजल्ट जो स्कूटनी के लिए अप्लाई के लिए आवेदन खुल जाएगी, जहाँ पर आपको एग्जाम रोल कोड, रोल नंबर, मोबाइल नंबर जो भी हो अपना आप डालकर वहाँ से कर सकते हैं। और मैं अगर आप चाहते हैं ये वीडियो देखना तो आप मैं कल के ये वीडियो में जब आ जाएगी ठीक से तो मैं पता कर लूँगा और कल मैं फिर से बनाकर इसको डाल दूँगा कि ये वीडियो आप कैसे इसको कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो खुद से भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्कूल में जाकर पता करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक के बारे में जो मैं आपको दिखा रहा था, दिखा देता हूँ मेरे दोस्तों। अगली टॉपिक ये थी, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास टेंथ का चैलेंज कैसे करें। दोस्तों चैलेंज करने का अर्थ है स्कूटनी ही होती है और चैलेंज जो है सो स्कूटनी की तरह ही होती है, स्कूटनी को ही चैलेंज के नाम को पुकारते हैं। कितने लोग स्कूटनी नहीं समझ पाते हैं, चैलेंज समझ पाते हैं, इसलिए मैं चैलेंज लिख कर यहाँ पर आपको शो करवा दिया था कि चैलेंज क्या होती है। मेरे अगले क्वेश्चन दोस्तों है कि कंपार्टमेंट की फॉर्म कब फिलअप करें। दोस्तों देखिए कंपनी निकल चुकी है, अगर आपने नहीं अभी तक देखी है तो उसे देख ले। और कंपार्टमेंट का फॉर्म मैं वन में दिखा देता हूँ फ्रेंड्स को, यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कंपार्टमेंट के बारे में कि पहले मैं पढ़ता हूँ स्कूटनी के बारे में, यहाँ देख सकते हैं कंपार्टमेंट के बारे में। कंपार्टमेंट के लिए स्कूल के प्राचार्य जो प्रिंसिपल जो होंगे वो ऑनलाइन आवेदन आपको करेंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मैट्रिक में जिन छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करना है वे अपना स्कूल के माध्यम से आवेदन करेंगे। बोर्ड द्वारा इस संबंध में स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और कंपार्टमेंट के आवेदन शुल्क परिचय के यूजर आईडी और पासवर्ड से बोर्ड वेबसाइट पर लॉगिन कर दिया जाएंगे। और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि आवेदन 28 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। मतलब दोस्तों कंपार्टमेंट के लिए भी डेट आप निकल चुकी है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब कितने विद्यार्थी जो होते हैं सो कंपार्टमेंट का अर्थ नहीं समझ पाते थे, बता दो कंपार्टमेंट क्या होता है। एक्चुअली में कंपार्टमेंट जो होता है कि अगर आप स्कूटनी के आवेदन किए तो स्कूटनी आवेदन करने से क्या होगा कि अगर आपको संतुष्ट नहीं हुए, उतना नंबर नहीं आया, आप फेल ही कर गए ऊपर से, क्योंकि स्कूटनी में नंबर या तो बढ़ती है या तो घटती है, आप फेल कर गए तो कंपार्टमेंट के एग्जाम दे सकते हैं जो कि आपको 1 ईयर आपको बचा देती है। कंपार्टमेंट बिल्कुल बोर्ड की तरह ही एग्जाम होगी और आप निफिक्र, आप पूरा बेफिक्र है, पूरा बोर्ड की तरह ही एग्जाम होती है। तो अगर बोर्ड तैयारी किए होंगे तो कंपार्टमेंट के आप एग्जाम आराम से उसे दे सकते हैं, जिसके आवेदन आप 28 जुलाई से दे सकते हैं, 28 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक बीच चलेगी और इसकी परीक्षा आपको उसी कुछ दिनों के बाद हो जाएगी और अगस्त में इसकी रिजल्ट भी है दोस्तों फ्रेंड्स आपको आ जाएगी। इसके अलावा इससे कुछ और जानना है तो मुझे आप बता सकते हैं। और कंपार्टमेंट का आवेदन आप खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इतने स्कूल में जाना पड़ेगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है सो आपको स्कूल में से ही जाके होगी, क्योंकि स्कूल में रोल उसका अपना एग्जाम का रोल नंबर रोल कोड होता है, तो जाकर आप वहाँ से कंपार्टमेंट के आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके तो कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मैं फिर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जो आप देख लेना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पर दबा देना, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। अब दोस्तों मेरी अगली क्वेश्चन थी, मैं वो भी दिखाया था अगली क्वेश्चन को। दोस्तों मेरी अगली क्वेश्चन आपके पास थी कि अप्लाई कैसे करें स्कूटनी के लिए, तो मैंने बता दिया कि अप्लाई कैसे करें। अभी अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा अभी तुरंत पहले तो आपने पता चल चुका है कि अप्लाई कैसे करें स्कूटनी के लिए, तो वो आप जानते हैं, मैं बता दिया था। अब पेंडिंग रिजल्ट कैसे ठीक होगा, तो पेंडिंग रिजल्ट ठीक होगा आप स्कूटनी के लिए आवेदन दे दिए होंगे तो कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ जाएगी जो कि आपको रिजल्ट को ठीक कर देगी। चलिए मैं चलता हूँ अखबार की तरफ, आपको बता ही देता हूँ पढ़ के कि पेंडिंग रिजल्ट कैसे ठीक होगी, वेट कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कि मैट्रिक के स्कूटनी के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से कर सकते हैं। स्कूटनी की प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बोर्ड की माने तो इसके लिए मूल्यांकन केंद्रों पर शिक्षकों की टीम बनाई गई है, इनका रिजल्ट 8 जुलाई के बाद मिलने लगेगा। जिन छात्रों को खाली अंक पत्र, अनुपस्थित वाला अंक पत्र, विषय परिवर्तन, लिंग परिवर्तन है, उनसे आवेदन निःशुल्क लिया जाएगा। ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड ने विशेष व्यवस्था की है। छात्र 28 जून से 5 जुलाई तक समिति की वेबसाइट www.biharboard.online.com पर आवेदन कर आपत्ति और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसलिए छात्र को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। तो यहाँ पर समझिएगा, कहने का अर्थ ये है कि बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया कि अगर आप
जो अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं स्कूटनी के लिए, तो आपको उसमें फ़ी लगेगी। लेकिन अगर आपका लिंग परिवर्तन हो गया, आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ ऐसे वगैरह वगैरह प्रॉब्लम हो गई, जाम रोल नंबर में प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए आपको एक भी फीस नहीं लगेगी। उसके लिए भी अप्लाई आप www.bihar.online.com पर कर सकते हैं, जो कि आप डालकर जाकर जाइएगा नेट पर, तो आप जहाँ नेट पर डालिएगा, यहाँ पर एक मनमेट कीजिएगा, यहाँ पर आप डाल सकते हैं www.bihar board, तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट आप डालकर यहाँ सर्च कीजिएगा, तो वो अगर ये वेबसाइट खुल जाएगी, तो आप यहाँ से खुलकर उस पर आप आपत्ति अपना जता सकते हैं। एक्चुअली में बिहार बोर्ड की फाइट बहुत फंसी हुई है, अगर मैं ये बैच चम करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप उसे अपना मैनेज कर लेना। अब मेरे दोस्तों अगली क्वेश्चन थी, क्या मैं फेल कर जाऊँगा, यहाँ पर मनवेट कीजिएगा। मेरे दोस्तों अगली क्वेश्चन थी कि क्या मैं फेल कर जाऊँगा, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप बेफिक्र है, आप अगर फेल नहीं करेंगे, अगर आपकी बाय द वे कि अगर आपकी मान लीजिए कि स्कूटी में आप नहीं निकल पाते, तो कंपार्टमेंट की फॉर्म आप भर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा तरीका है। तो अगर दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको कुछ और क्वेश्चन जानना है, तो जी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए, ये नीचे एक बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, और लाल कलर के बटन को भी आप छू दीजिए, ऑटोमेटिक सब्सक्राइब चैनल हो जाएगी और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ और जानना है तो मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हुआ क्या कि वीडियो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी ख़राब लगी, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगली वीडियो पक्का देखना, क्योंकि अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ टू अप्लाई स्कूटनी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ों में सारे क्वेश्चन आपको मैं जाते हूँ। नमस्कार।